खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर आज आशा संगिनी और आशाओं का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में आशाओं और आशा संगिनी कुंवर सिंह उद्यान में पहुंच गई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने लिए आवाज़ उठाया और मांग किया कि आशा का मानदेय 18,000, आशा संगिनी का मानदेय 22,000 किया जाए। बता दें कि आशा और आशा संगिनियों ने आरोप लगाया कि कई महीने से लंबित भुगतान न होने से हमारी स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है। जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम पत्रक सौंपते हुए लोगों ने कहा कि हमारी 10 मांगे हैं, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो सब कुछ ठप कर दिया जाएगा और अगर इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कोई परेशानी होगी तो सीधा सरकार और बड़े अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मांगों का जिक्र करते हुए आशा संगिनी और आशा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आशा संगिनी और आशा के TBI का भुगतान, आशा संगिनी और आशा राज्य का बजट भुगतान, आशा HRP का भुगतान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान, प्रधानमंत्री वंदना योजना का भुगतान, आशा का नियत मानदेय का निर्धारण, सभी नवीन चयनित आशाओं को HBNC का प्रारंभिक प्रशिक्षण जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए, मृतक आशा बहनों के स्थान पर उन्हीं के घर के लोगों को नवीन चयन में 50% वरीयता प्रदान की जाए, आशा कार्यकर्त्रियों को सुरक्षा हेतु पुलिस टास्क फोर्स का गठन किया जाए, आशा संगिनी और आशा के समस्त लंबित भुगतान को जल्द से जल्द किया जाए। आशाओं और आशा संगिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार को दो टूक कहा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। एक दिवसीय ये लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये ज्ञापन जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला अधिकारी महोदय को ये लोग देंगे और केंद्र राज को भी भेजा जाएगा। और ये आज यहाँ ये लोग धरने पर बैठी हुई हैं, इनका काफ़ी लंबित भुगतान है और जो भी भुगतान मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो भी भुगतान मिल रहा है वो कटौती करके मिल रहा है। कितना मिल रहा है ये बस जहां इनको 9,000 7,000 मिल रहा है वहां 1,500 1,000 1,200 2,000 150 ऐसे करके बहनों के खाते में टुकड़ों में बट के दिया जा रहा है। तभी आपकी सरकार से क्या डिमांड है? तो हमारी सरकार से यही डिमांड है। अभी हम दिल्ली गए थे और परसों अभी दिल्ली से हम आए हैं, वहाँ हम अपनी मांग को लेके, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से जो है वेतन और मानदेय की मांग कर रहे हैं, लेकिन चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सब लोग अनसुनी कर दे रहे हैं। इस समस्या को लेके जो है ये आंदोलन 18 अप्रैल को जो है 18 अप्रैल को केंद्र में दिल्ली में और 26 अप्रैल को जो है लखनऊ में रखा गया है और अपनी मांग को लेकर रखा गया है कि जो हमको प्रोत्साहन मिल रहा है वो भी कटौती करके मिल रहा है। तो अब हमारा लास्ट सरकार से यही मांग है कि हमको प्रोत्साहन न देके एक नियमित मानदेय वेतन किया जाए। जो हमारी आशा और आशा संगिनी बने हैं सब एकदम फुटपाथ पर हो गई हैं और भूख मरी के कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में सरकार जब तमाम तरह से बजट में कटौती कर रही है जी, सेना का ही उदाहरण ले लिया जाए, अग्निवीर योजना ला करके 4 साल का कर दिया गया, उसी तरह से तमाम जगहों पर किया जा रहा ताकि कम से कम में सरकार का काम चल सके, ऐसे में आपको कैसे उम्मीद है कि सरकार आप लोगों की बात मान ही लेगी? सरकार से उम्मीद हम लोग को इसलिए है कि एक गर्भवती महिला, गर्भवती माँ अगर मर जाती है तो आशा का पूरा रिकॉर्ड जांच किया जाता है कि आशा ने टीका लगवाया था कि नहीं, कैसे मरी, क्या हुआ। अगर एक गर्भवती महिला की हम अगर जान बचा सकते हैं तो सरकार से अपनी मांग भी पूरा करा सकते हैं, ये आशा मुझे है और सरकार को करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा लास्ट में। अभी तो हम काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, सरकार अभी अनसुनी कर रही है, लेकिन ऐसा समय आ जाएगा और सरकार भी 2024 में सरकार की क्या हालत होगी यही हमारी आशा और आशा संगिनी बहने उनको बताना चाहेंगी। और यहाँ जो है कुछ संगठन को लेके जो है काफ़ी दिन से कुछ विवाद चल रहे हैं, उसमें हमारा ये कहना है कि संगठन हो या घर परिवार हो, हमारा ये कहना है कि घर और परिवार संगठन सब सहमत से चलता है और उसको अलग अलग बिखरा के न चले। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि अगर सरकार ने आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, नहीं मानी तो क्या होगा? अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानी तो हम सारे कार्य अपने बहिष्कार करेंगे, जो भी हम लोग कर रहे हैं सारे कार्य एकदम हड़ताल करेंगे और हम लोग भी बैठ जाएंगे।
कि जब तक हमारी सरकार कोई अनहोनी होगी तो उसकी हम पहले जो है उनको नोटिस दे देते हैं कि अगर हमारी महिला को इसके दौरान हमारे आंदोलन के दौरान अगर किसी एक महिला को अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो उसका जवाब हम सरकार से और प्रशासन से लेने के लिए तैयार हो जाएंगे।